तो मैं दिनेश के वोरा चैनल 5 हिंदी पे आपका स्वागत है। वो लोग जो कश्मीर और लद्दाख के अंदर 370 हटने के बाद और इन दो स्टेट्स के बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, वहाँ पे अपना घर बनाने का सपना देख रहे थे, कश्मीर वैली में या जम्मू में या लद्दाख में, उनके सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। हुआ क्या है कि ग्राउंड जो रियलिटी है वो कुछ ऐसी है इस समय कि सरकार सीरियसली सोच रही है, जो कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं वैली से और लद्दाख से और बाकी रीजन से, कि जो हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो वहाँ पे अब आज के न्यूज़पेपर्स में प्रोमिनेंट खबर है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर, दोनों यूनियन टेरिटरीज के अंदर, डोमिसाइल का रूल अब लागू होगा या होने जा रहा है। ये डोमिसाइल का रूल भारत के बहुत सारे राज्यों में है, मैं आपको बताऊँ। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग रूप में है कि आपको किसी भी एक प्रदेश के अंदर 15 साल आप रहेंगे तो 15 साल के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ की आपकी डोमिसाइलशिप मिल जाएगी। लेकिन 15 साल के आपके प्रूफ देने पड़ेंगे, आपको सारे पेपर्स देने पड़ेंगे कि मैं 15 साल से सपोज महाराष्ट्र में हूँ, तो उसका फ़ायदा फिर आपको मिलता है बाद में कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की जो नौकरी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। जबकि बाहर वालों को रोका जाता है इस रूल के द्वारा बेसिकली, या कुछ और कमर्शियल लाइसेंस होते हैं, या जैसे सिटीज़ के अंदर टैक्सी के लाइसेंस होते हैं, या आपके ऑटो जो होते हैं थ्री व्हीलर्स उसके लाइसेंस होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो भी डोमिसाइल वालों को दिए जाते हैं, नॉन डोमिसाइल को नहीं दिए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ ये महाराष्ट्र के अंदर ये ज़मीन खरीदने के लिए कुछ एरिया को छोड़ के बाकी जगह आप ज़मीन और मकान खरीद सकते हैं, जैसे मुंबई हो गया, थाना, पूना, सब जगह खरीद सकते हैं। लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इसी डोमिसाइल लॉ के अंतर्गत आप ज़मीन और मकान नहीं बना सकते। यही लॉ J&K में लागू होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब वहाँ का डोमिसाइल बनना आपके लिए ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं और मकान बना सकते हैं। और लद्दाख के लिए भी यही होगा। इससे उन लोगों के सपने चकनाचूर होते जा रहे हैं जो दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश या बाकी भारत के राज्यों से कश्मीर वैली में या लद्दाख में एक मकान बनाने की सोच रहे थे, वहाँ मकान बना लेंगे, तो उससे पहले अब आपको वहाँ पे 15 साल रहना पड़ेगा। 15 साल के बाद आपको सारे पेपर इकट्ठे करके रखने पड़ेंगे कि आप यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, मैं 15 साल से यहाँ था तो मुझे यहाँ का डोमिसाइल दिया जाए। जब वो डोमिसाइल मिल जाएगा उसके बाद फिर वहाँ पे आप ज़मीन खरीद सकते हैं और मकान बना सकते हैं। ये तब, जबकि 15 साल के बाद फिर से रूल ना चेंज हो जाए कोई और फिर वहाँ पर ख़रीदारी को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तो यानी कि जिनके सपने हैं कि वहाँ जाके घर बनाना है, हिंदुस्तान के किसी शहर में रहते हो कि हम कश्मीर में या लद्दाख में जाके घर बना लेंगे, तो उन्हें 15 साल वेट करना पड़ेगा। पहले 15 साल आप वहाँ जाके किराएदार बन के रहो, उसके बाद बात करना कि आप शायद वहाँ पे ज़मीन खरीदने के लायक होंगे या नहीं। देखा जाए तो 370 में जो ख़त्म किया गया वो डोमिसाइल के रूल से वापस आ रहा है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, बदलती ही नहीं हैं, ये वही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।